भारत माता की, भारत माता की। वहां पर आप खुशियां लगाकर फैसले एग्जीक्यूटिव के मेंबर और इस मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काफी समय से बेदी जी की इच्छा थी कि हमारे कुछ साथी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जनता पार्टी का साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी के सिंपथाइजर होने के नाते भी, और जिन दिनों में वार्ड नंबर 28 में जिस तरीके से मनीष खजूरिया जी ने कोरोना के विषय की बात की, प्रेम जी के साथ, रवि जी के साथ, अजय जी, किशोर जी, उनकी पूरी टीम के साथ, इन बेदी बंधुओं का भी जो था हमेशा से साथ रहा, हमेशा से इन्होंने कार्य किया। और खासतौर पर कोविड के समय में हम सब जानते हैं कि आज विश्व भर में जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और खासतौर पर पूरे विश्व में मात्र तीसरे नंबर पर जो भारत ने जिस तरीके से कोरोना नाम की मेडिसिन को जो है वो विकसित किया है, भाजपा में जो आने का हमने फैसला किया है उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज गरीब का उत्थान हो रहा है, गरीब बढ़ रहा है, और दलाली का जो पूर्व सरकारों का प्रचलन था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज गरीब को उसके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है, जबकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कभी कहा था कि मैं एक रुपया बेचता हूँ राज्य में 10 पैसे पहुँचते हैं, 90 पैसे दलाली में जाते थे, दलाल खाते थे। आज वो दलाली का प्रचलन खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सीधा जो बेनिफिट है वो गरीब को दिया। आज गरीब बढ़ रहा है, गरीब को सहारा है, गरीब को सुनने वाला है, गरीब की सुनवाई है। 28 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्य नीतियों से प्रभावित होकर के, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से समाज के लिए, देश उत्थान के लिए, राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उन सब से प्रेरित होकर के आज गुलशन बेदी जी और वरिंदर बेदी जी, इन दोनों भाइयों ने अपने कुछ सहयोगी साथियों के साथ वार्ड नंबर 28 में आज भाजपा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मेरे साथ मेरे मंडल के अध्यक्ष केशव चोपड़ा जी, और जिनकी रहनुमाई में आज इन्होंने भाजपा का दामन थामा है, हमारे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जिला जम्मू पश्चिम और विधानसभा जम्मू पश्चिम के हमारे विधायक आदरणीय सा शर्मा जी के नेतृत्व में इन्होंने भाजपा का दामन थामा है। और जिस प्रकार से एक नई सोच के साथ, एक नए उत्साह के साथ इन लोगों ने आज भाजपा का दामन थामा है, मुझे ना केवल मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी भाइयों का जो सहयोग है वो भारतीय जनता पार्टी को ना केवल वार्ड में बल्कि आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी मिलेगा। और इन सब के कथित प्रयासों से, जैसे इन्होंने ये प्रण लिया है कि हम लोग भाजपा के साथ कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके दिन रात एक काम करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सब के कथित प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत।